जय हिंद दोस्तों। स्क्रीन पे जिसकी तस्वीर देख रहे हैं जो धीरेंद्र शास्त्री के साथ एक और भी व्यक्ति है जो इसका छोटा भाई है जिसका नाम है सालीग्राम गर्ग। इसने क्या किया है, हाल ही में एक दलित परिवार का जब उसकी बेटी की शादी हो रही थी तो वहां पर कट्टा लेकर के पिस्तौल लेकर के अपने गुंडे साथियों को साथ मिल करके जाता है, उनको डराता है, धमकाता है और कहता है कि मैं जो कहता हूँ वो गाना चलाओ, अर्थात धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले गाना चलाओ, तुम ये शादी वाले गाना नहीं चला सकते। वो लोग मना करते हैं गाना चलाने पर, तो ये उसको मारने पीटने पर उतारू हो जाता है, गालियां देने लगता बद्दी बद्दी, जो आप वीडियो में पूरी बखूबी देख सकते हैं। तो ये दलित अत्याचार कर रहे हैं। पूरा मामला जो है ये है गांव गढ़ा का, जो खास धीरेंद्र शास्त्री का गांव है और गढ़ा गांव और बमीठा थाना का ये मामला है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई सालीग्राम गर्ग पर दलित की बरात लेकर पहुंचे बारातियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि धीरेंद्र कृष्ण के छोटे भाई ने ग्राम गढ़ा में कल्लू अहिरवार की बेटी सीता के घर पर बारात में हंगामा मचा दिया। शादी समारोह में शराब के नशे में धुत होकर के हाथों में रिवाल्वर लेकर लहराते हुए और मुंह में सिगरेट पीते हुए आता है और परिवार वालों को गालियां बद्दी बद्दी गालियां देता है, मारता है, पीटता है और उनको धमकी देता है। कहता है कि स्वयंवर में शादी क्यों नहीं कराया तुमने यहाँ शादी क्यों कर रहे हो और तुम ये गाना क्यों नहीं बागेश्वर धाम के चला रहे हो, हम अपनी गाना क्यों चला रहे हो। तो क्या एक दलित व्यक्ति अपने शादी ब्याह में अपने मर्जी का भी गाना नहीं चला सकता? यही है धीरेंद्र शास्त्री का असली रूप, यही है उनके भाइयों का असली रूप। खैर, इस पूरी मामले का अभी जांच चल रहा है और एक्सपोज एशिया न्यूज जो है इस बात का उतना पूरी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सुनने में यही आया है पूरा मामला। तो आगे देखिए वीडियो में कि क्या क्या ये बोल रहे हैं सभी। तो देखा आपने किस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री का भाई सालीग्राम गर्ग जो एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो कल्लू अहिरवार के घर में जाता है जो गढ़ा गांव में और वहां पर जाकर के बारातियों को सामने धमकाता है, गालियां देता है और उनको बोलता है बागेश्वर धाम में शादी विवाह क्यों नहीं किया, गाना बागेश्वर धाम का क्यों नहीं चला रहा है। तो इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर इसकी बुराइयां हो रही हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई और SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई होने की मांग करी जा रही है और जल्दी ये गिरफ्तार होगा। इसके लिए FIR तमाम देश के लोगों ने दर्ज कराना शुरू कर दिया है और ये जेल के सलाखों के पीछे दिखेगा, इसका गुंडागिर्दी का नशा उतर जाएगा, धीरेंद्र शास्त्री का जो बुखार इसके ऊपर चढ़ा हुआ है वो उतर जाएगा। इस तरीके का वीडियो देखने के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सपोज एशिया और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमें फॉलो जरूर कीजिए। तो जल्द ही मिलता हूँ एक नए खबर के साथ, देखते रहिए न्यूज एक्सपोज एशिया। जय हिंद, नमस्कार।